देखिए, अभी तक 3 DDR जो हमारे संज्ञान में है, 3 DDR अम्बाला में लॉन्च हुई थी, जिसमें 54 लोगों को अरेस्ट किया गया था। 53 की अभी तक रिलीज़ हो चुके हैं, एक अभी कस्टडी में है। तो इसमें हमने जो पानीपत के थे, लगभग 20 किसान के लगभग थे, जिनकी हमने फ्री लीगल एड देते हुए जमानतें कराई। और अभी कुछ और भी FIR लॉन्च है जिसकी डिटेल्स पुलिस नहीं दे रही है। और आगे आपको बता सकता हूँ कि जैसे कि पहले भी इन्होंने पहले किसान आंदोलन में भी FIR लॉन्च कराई थी, जिसमें हमने फ्री लीगल एड दी थी। जो जमानतें जहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई, जहाँ ज़रूरत हुई तो वहाँ पे हमने जमानतें भी कराई थी। अब भी अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ इनको जहाँ भी फ्री लीगल एड की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग देंगे। जी बिल्कुल, मैं अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ जहाँ इनको इस आंदोलन के लिए ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे मुफ्त कानूनी सहायता देंगे, कोई खर्चा भी नहीं लिया जाएगा। जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के डिसीज़न है कि जो जमानत है वो बहुत आसानी से मिलनी चाहिए, बेल बॉन्ड्स हैवी श्योरिटी अमाउंट के नहीं होने चाहिए और उसमें कंडीशनल नहीं होने चाहिए, ये सब जो सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं उनको दरकिनार करते हुए बड़े कठिन इन्होंने उसमें कंडीशंस रखी थी और 10-10 लाख के बॉन्ड्स ले लोगों के। तो मैं मानता हूँ ये कानून के विरुद्ध है। देखिए, पुलिस ने बिल्कुल गलत तरीके से वीज़ा और पासपोर्ट का जो ये रद्द करने का पत्र जारी किया है, क्योंकि कोई भी वीज़ा रद्द करने की पावर मिनिस्ट्री की भी नहीं है, वो संबंधित कंट्री ही कर सकता है। और ये बिल्कुल गलत गैर कानूनी रूप से बात कही गई है। और अगर आप पासपोर्ट की भी बात करें, पासपोर्ट भी रद्द करने की पावर्स इनके पास नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर पासपोर्ट रद्द होता है तो वो उसकी काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन वहाँ पे इनको प्रूव करना पड़ेगा कि इन्होंने जो काम किया है वो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट किया है। अगर आप मोटे तौर पे समझना चाहें तो जो ये कंक्रीट की दीवारें खड़ी की हैं ये किसानों द्वारा नहीं खड़ी की गई है, ये जो दीवारें खड़ी की गई हैं ये प्रशासन ने की हैं और बिना किसी कारण के की हैं, जिसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो अगर पासपोर्ट रद्द होता है तो ये अधिकारियों को होना चाहिए, किसानों का नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी तक 3 DDR जो हमारे संज्ञान में है, 3 DDR अम्बाला में लॉन्च हुई थी, जिसमें 54 लोगों को अरेस्ट किया गया था। 53 की अभी तक रिलीज़ हो चुके हैं, एक अभी कस्टडी में है। तो इसमें हमने जो पानीपत के थे, लगभग 20 किसान के लगभग थे, जिनकी हमने फ्री लीगल एड देते हुए जमानतें कराई। और अभी कुछ और भी FIR लॉन्च है जिसकी डिटेल्स पुलिस नहीं दे रही है। और आगे आपको बता सकता हूँ कि जैसे कि पहले भी इन्होंने पहले किसान आंदोलन में भी FIR लॉन्च कराई थी, जिसमें हमने फ्री लीगल एड दी थी। जो जमानतें जहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई, जहाँ ज़रूरत हुई तो वहाँ पे हमने जमानतें भी कराई थी। अब भी अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ इनको जहाँ भी फ्री लीगल एड की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग देंगे। जी बिल्कुल, मैं अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ जहाँ इनको इस आंदोलन के लिए ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे मुफ्त कानूनी सहायता देंगे, कोई खर्चा भी नहीं लिया जाएगा। जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के डिसीज़न है कि जो जमानत है वो बहुत आसानी से मिलनी चाहिए, बेल बॉन्ड्स हैवी श्योरिटी अमाउंट के नहीं होने चाहिए और उसमें कंडीशनल नहीं होने चाहिए, ये सब जो सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं उनको दरकिनार करते हुए बड़े कठिन इन्होंने उसमें कंडीशंस रखी थी और 10-10 लाख के बॉन्ड्स ले लोगों के। तो मैं मानता हूँ ये कानून के विरुद्ध है। देखिए, पुलिस ने बिल्कुल गलत तरीके से वीज़ा और पासपोर्ट का जो ये रद्द करने का पत्र जारी किया है, क्योंकि कोई भी वीज़ा रद्द करने की पावर मिनिस्ट्री की भी नहीं है, वो संबंधित कंट्री ही कर सकता है। और ये बिल्कुल गलत गैर कानूनी रूप से बात कही गई है। और अगर आप पासपोर्ट की भी बात करें, पासपोर्ट भी रद्द करने की पावर्स इनके पास नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर पासपोर्ट रद्द होता है तो वो उसकी काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन वहाँ पे इनको प्रूव करना पड़ेगा कि इन्होंने जो काम किया है वो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट किया है। अगर आप मोटे तौर पे समझना चाहें तो जो ये कंक्रीट की दीवारें खड़ी की हैं ये किसानों द्वारा नहीं खड़ी की गई है, ये जो दीवारें खड़ी की गई हैं ये प्रशासन ने की हैं और बिना किसी कारण के की हैं, जिसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो अगर पासपोर्ट रद्द होता है तो ये अधिकारियों को होना चाहिए, किसानों का नहीं होना चाहिए।